गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7, क्लाइमेट एंड वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 किया है, नेम द एलिमेंट देन डिटरमिन द वेदर ऑफ द प्लेस. कौन कौन से एलिमेंट किसी भी प्लेस की वेदर को डिटरमिन करते हैं? हाँ जी, तो उसका आंसर यहाँ पे लिखे हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एट दैट प्लेस. मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड किसी भी जगह के वेदर को डिटरमिन करने के लिए एलिमेंट्स हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइक टू अक्कर ड्यूरिंग द डे. मतलब दिन के समय कब तापमान आपका जो टेम्परेचर है मैक्सिमम होता है और कब टेम्परेचर क्या मिनिमम होता है. तो इसका आंसर यहाँ पे लिखे हैं, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अक्कर जनरली इन द आफ्टरनून. मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी दिन का कहाँ पे होता है? दोपहर के टाइम. एंड वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अक्कर इन द अर्ली मॉर्निंग. और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कहाँ पे होता है? अर्ली मॉर्निंग में होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमने करना है फिलिप्स. फिलिप्स के आपका फर्स्ट फिलिप है, द एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड. मतलब जो एवरेज वेदर जो बड़े लंबे टाइम के लिए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट. नेक्स्ट, ए प्लेस रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल एंड टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस विल बी. हाँ जी, लिटल रेनफॉल है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? ड्राई. और टेम्परेचर इज वेरी हाई, तो टेम्परेचर वेरी हाई क्या लिखेंगे? हॉट. तो क्लाइमेट क्या होगी उस प्लेस की? ड्राई एंड हॉट. द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ वेयर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आर फाउंड. एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस कहाँ पे फाउंड होती है? पोलर रीजन में और ट्रॉपिकल रीजन में. ठीक है, तो ये आपकी 3 फिलिप्स हो गई. क्वेश्चन नंबर 4 किया, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ फॉलिंग एरियाज. हमने जो एरियाज आपको बताया इनकी क्लाइमेट के बारे में बताना है. जम्मू एंड कश्मीर में क्या होती है? मॉडरेटली हॉट एंड वेट. मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और वेट, मतलब हवा में नमी की मात्रा रहती है. केरला में क्या? वेरी हॉट एंड वेट. वेरी हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और थोड़े दिन बाद वहाँ पे बरसात हो जाती है, इसलिए वेरी हॉट एंड वेट. राजस्थान में क्योंकि मौसम गर्म ही होता है तो हॉट एंड ड्राई, क्योंकि वहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा कम होती है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया यहाँ पे क्या होती है? वेट होती है. तो इस तरह ये क्या हो गया आपके 4 जो रीज़न है और उनकी क्लाइमेट के बारे में. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रिक्वेंटली. मतलब कौन से दो चीज़ें जल्दी बदलती हैं? वेदर और क्लाइमेट, इन दोनों में से कौन जल्दी बदलता है? इसका आंसर क्या है? वेदर. ठीक है, उसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच फीचर अडेप्ट पोलर बियर टू लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन. कौन से फीचर पोलर बियर को एक्सट्रीमली ठंडी कंडीशन में रहने के लिए अडेप्ट करते हैं? वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल. सेकेंड है थिन स्किन, लार्ज आइज, अ वाइट फर, लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग क्लास, वाइट लार्ज पास, वाइट बॉडी, पास फॉर स्विमिंग, गिल फॉर एस्पिरेशन. तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि मैंने कल आपको पोलर बियर के बारे में बताया था, उसकी वाइट फर होती है और उसकी स्किन के अंदर क्या होती है? फैट होती है और उसकी कीन सेंस ऑफ स्मेल है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या सही है? तो आपने ये जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट 5 और 11 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे करना है.